3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज़। महावीर सर्किल का अमृत महोत्सव के तहत 75 घंटे में हो गया जीर्णोद्धार। टीम वर्क की मिसाल हुई पेश। अवरोध हटाने के बाद 7.5 मीटर चौड़ा हो गया रोड। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के स्मार्ट सिटी में आयोजित 75 आवर्स प्लेस मेकिंग मैराथन चैलेंज के तहत अजमेर के महावीर सर्किल की भी काया पलट दी गई। 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच लगातार दिन और रात मैराथन वर्क के जरिए इस मार्ग की काया पलटी गई है। 75 घंटे में महावीर सर्किल की 3 मीटर से 7.5 मीटर सड़क की चौड़ाई होने से यातायात सुगम होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 75 घंटे लगातार कार्य करते हुए महावीर सर्किल की काया पलटी गई है। स्मार्ट सिटी सहित नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टाटा पावर और DOIT ने संयुक्त रूप से तालमेल बैठाते हुए महावीर सर्किल ट्रैफिक जंक्शन का कार्य तय समय में पूरा कर लिया। बुधवार को कार्य पूर्ण होने के बाद मेयर ब्रजलता हाड़ा, जिला कलेक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशदीप, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, नगर निगम आयुक्त व अजमेर स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र कुमार, ADI आयुक्त अक्षय गोदारा सहित अन्य अधिकारियों ने जायजा लिया और कार्य की सराहना की। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के तहत स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा 15 जनवरी 2022 से प्लेस मेकिंग मैराथन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 75 घंटे में महावीर सर्किल के ट्रैफिक जंक्शन को इम्प्रूव किया गया है। 19 जनवरी दोपहर 12 बजे तक कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण कर लिया गया। मौके पर 780 वर्ग मीटर अतिरिक्त खाली स्थान मिला है। इसमें से कुछ हिस्सा सड़क को चौड़ा करने और अन्य उपयोग में काम में ले लिया जाएगा। कार्य के दौरान आमजन को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। कार्य पूर्ण होने के साथ ही अब यहाँ की सुंदरता देखते ही बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त क्षेत्र में यातायात का भारी दबाव रहता था, लेकिन अब मार्ग को चौड़ा किए जाने से आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 75 आवर्स का एक चैलेंज था स्मार्ट सिटी के तहत जो होना था। बड़ी खुशी की बात है कि अपने यहाँ पर महावीर सर्कल के पास में 75 घंटे के अंदर पूरी काया पलट कर दी गई है। जो पूरी टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, 75 घंटे लगातार काम किए और जैसा कि हम देख सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, जो यहाँ पर काफ़ी सारा बैरियर था उसको हटा के सड़क भी चौड़ी की जा चुकी है और हमें पूरी आशा है कि इससे आने वाले समय के अंदर एक्सीडेंट भी घटेंगे और सड़क पे जो जाम लगता है उसके भी घटने की संभावना। सर, डिवाइडर की काफ़ी ज़रूरत दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हादसा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ से भी दोनों तरफ से आवाजाही देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि इन्हें डिवाइडर की भी आवश्यकता है यहाँ पर, तो उसको लेकर के कोई काम होगा? अब देखिए, डिवाइडर का जब भी कभी सेटअप करवाते हैं वो इंजीनियरिंग स्टडीज़ के साथ फुल डिज़ाइन के साथ करवाते हैं। आपके सामने एक डिवाइडर था जो टेम्परेरी था, वहाँ पे उसको परमानेंट किया गया है। अगर इस रूट पे भी डिवाइडर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी अपन टेक्निकल स्टडी करवा लेंगे, इफ इट इज़ नीडेड तो हम वो करवाएंगे। ऐसे और भी दो चौड़े कराए जाएंगे कैसे? आप देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी सारे अनेक कार्यों को वाइडनिंग चल रहा है। दो प्रोजेक्ट्स इस 75 घंटे वाले के तहत लिए गए थे, जिनमें एक के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है टाइम के अंदर, वो भी अपना कार्य करवाएंगे। और जो भी काम है, जहाँ पर भी आवश्यकता लगती है, जैसी लोगों की डिमांड है, जैसी आवश्यकता है, उसके हिसाब से जो भी सुधार करवाना होगा उसको प्लान करके कराया जाएगा। दरगाह थाना पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई, सामान किया जब्त। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर अतिक्रमण के विरुद्ध अपनाई जा रही है जीरो टॉलरेंस नीति। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में देश दुनिया से हजारों जायरीन रोजाना जियारत करने अजमेर आते हैं। ऐसे में अजमेर के प्रमुख दरगाह बाजार, नला बाजार, त्रिपोलिया बाजार, अंदरकोट ऐसे बाजार हैं जहां जायरीनों की आवक जावक ज्यादा रहती है, लेकिन यहां के दुकानदार नियम कायदों को ताक में रखकर अपनी दुकानों के बाहर 2-2, 3-3 फीट तक का अतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश मिले हुए हैं, जिसके तहत दरगाह थाना पुलिस लगातार अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें कई बार समझा भी चुकी है, लेकिन अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह बाजार, नया बाजार, अंदरकोट, त्रिपोलिया बाजार आदि क्षेत्रों से अतिक्रमियों के सामान को जब्त किया है।
यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमियों के विरुद्ध साल दर साल सैकड़ों कार्रवाई होती है, लेकिन यह लोग बाज नहीं आते, जबकि इन्हें हद में रहकर अपना व्यापार करना चाहिए, जिससे व्यस्ततम बाजारों में जायरीनों और खरीदारों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही दरगाह के आसपास के क्षेत्रों में भिखारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। दरगाह थाना क्षेत्र में जो तीन बाज़ार हैं, अंदर कोट का त्रिपुलिया बाज़ार, दरगाह बाज़ार जो मेन बाज़ार है जहां से हमारा जायरीन आता है, जो देश से प्रत्येक कोने से यहां आता है, और नाला बाज़ार जो रेलवे स्टेशन को जोड़ता है वहां से भी जायरीन का आना जाना रहता है। अक्सर अकस्मात जो कार्रवाई करते हैं हम अतिक्रमण को हटाने की, वो इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि चूँकि दुकानदार अपने लालच में कोई उसका सीमा नहीं है, तो 5 फीट 6 फीट तक अपनी दुकानें आगे बढ़ा लेते हैं किसी न किसी बहाने से। कैनोपी लगा देंगे, कोई पर्दा लगा देंगे, कोई लोहे की स्टील की रॉड लगा करके लटका देंगे सामान, जो बहुत ही जाहिलाना तरीका है। और हमारी जो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो दरगाह है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दरगाह है, जहाँ पर एक इमेज प्रशासन की जाती है हर बात में। तो चूँकि अचानक मुझे कोई कार्रवाई करनी थी, मैंने टीम को पहले से अलर्ट कर रखा था। जिन जिन लोगों ने ज़्यादा कर रखा है अतिक्रमण, उनका अतिक्रमण जब्त किया है, और भिखारियों को लेकर के भी सेंसिटाइज किया है जाब्ते को। मैंने भी 3 भिखारी अभी भिजवाए और बाकी भिखारियों को भी तलाश करके यहाँ से अलग करेंगे, क्योंकि ये मार्केट जो है भिखारी मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर मैं आपको निवेदन करूँ तो 2020 में 1100 कार्रवाई थी, 2019 में 400 कार्रवाई थी, 400 करीब। चूँकि 2021 लगभग 7-8 महीने लॉकडाउन में गए, लास्ट के 4 महीने में हमने 1100 से ऊपर कार्रवाई की है। लगातार अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, श्रीमान एसपी साहब के निर्देश हैं, अतिक्रमण को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि समझाइश के साथ साथ कार्रवाई जरूरी है, तो समझाइश भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। यहाँ के व्यापारी किस तरीके से अतिक्रमण करते हैं? ये एक लोगों का एक हम मान सकते हैं व्यवहार है, क्योंकि जब भी हम कार्रवाई करने जाते हैं तो वो कहते हैं साहब पड़ोसी ने कर रखा है इसलिए मैंने कर लिया। ये सोच बहुत अच्छी सोच नहीं है। व्यापारी को ये सोचना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, बस इतना पर्याप्त होना चाहिए। दूसरे की गलती को देख के मैं गलती करूँ ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, इस बात को लेकर के भी मैंने जो पुराने दुकानदार, जो बुजुर्ग दुकानदार हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे एसोसिएशन के, उन लोगों को और सभी लोगों को ये कहा है। सीएजी मीटिंग में बराबर कहता रहता हूँ कि आप अपना वाहन जहाँ जहाँ पार्किंग उपलब्ध है वहाँ खड़ा करें। मार्केट में वाहन खड़ा करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे काफ़ी सारा स्पेस घिरता है और जायरीन को आने जाने में तकलीफ होती है। दरगाह थाना पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई, सामान किया जब्त। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर अतिक्रमण के विरुद्ध अपनाई जा रही है जीरो टॉलरेंस नीति। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में देश दुनिया से हजारों जायरीन रोजाना जियारत करने अजमेर आते हैं। ऐसे में अजमेर के प्रमुख दरगाह बाजार, नाला बाजार, त्रिपोलिया बाजार, अंदरकोट ऐसे बाजार हैं जहां जायरीनों की आवक जावक ज्यादा रहती है, लेकिन यहां के दुकानदार नियम कायदों को ताक में रखकर अपनी दुकानों के बाहर 2-2, 3-3 फीट तक का अतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश मिले हुए हैं, जिसके तहत दरगाह थाना पुलिस लगातार अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें कई बार समझा भी चुकी है, लेकिन अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह बाजार, नया बाजार, अंदरकोट, त्रिपोलिया बाजार आदि क्षेत्रों से अतिक्रमियों के सामान को जब्त किया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमियों के विरुद्ध साल दर साल सैकड़ों कार्रवाई होती है, लेकिन यह लोग बाज नहीं आते, जबकि इन्हें हद में रहकर अपना व्यापार करना चाहिए, जिससे व्यस्ततम बाजारों में जायरीनों और खरीदारों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही दरगाह के आसपास के क्षेत्रों में भिखारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है।
दरगाह थाना क्षेत्र में जो तीन बाज़ार हैं, अंदर कोट का त्रिपुलिया बाज़ार, दरगाह बाज़ार जो मेन बाज़ार है जहाँ से हमारा जायरीन आता है, जो देश से प्रत्येक कोने से यहाँ आता है, और नाला बाज़ार जो रेलवे स्टेशन को जोड़ता है वहाँ से भी जायरीन का आना जाना रहता है। अक्सर अकस्मात जो कार्रवाई करते हैं हम अतिक्रमण को हटाने की, वो इसलिए जरूरी हो जाती है कि चूँकि दुकानदार अपने लालच में कोई उसका सीमा नहीं है, तो 5 फीट 6 फीट तक अपनी दुकानें आगे बढ़ा लेते हैं, किसी न किसी बहाने से कैनोपी लगा देंगे, कोई पर्दा लगा देंगे, कोई लोहे की स्टील की रॉड लगा करके लटका देंगे सामान, जो बहुत ही जाहिलाना तरीका है। और हमारी जो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो दरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दरगाह है, जहाँ पर एक इमेज प्रशासन की जाती है हर बात में। तो चूँकि अचानक मुझे कोई कार्रवाई करनी थी, मैंने टीम को पहले से अलर्ट कर रखा था, जिन जिन लोगों ने ज़्यादा कर रखा है अतिक्रमण उनका अतिक्रमण जब्त किया है, और भिखारियों को लेकर के भी सेंसिटाइज किया है जाब्ते को। मैंने भी 3 भिखारी अभी भिजवाए और बाकी भिखारियों को भी तलाश करके यहाँ से अलग करेंगे, क्योंकि ये मार्केट जो है भिखारी मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर मैं आपको निवेदन करूँ तो 2020 में 1100 कार्रवाई थी, 2019 में 400 कार्रवाई थी, 400 करीब। चूँकि 2021 लगभग 7-8 महीने लॉकडाउन में गए, लास्ट के 4 महीने में हमने 1100 से ऊपर कार्रवाई की है। लगातार अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, श्रीमान एस पी साहब के निर्देश हैं, अतिक्रमण को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि समझाइश के साथ साथ कार्रवाई जरूरी है, तो समझाइश भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी किस तरीके से अतिक्रमण करते हैं, ये एक लोगों का एक हम मान सकते हैं व्यवहार है, क्योंकि जब भी हम कार्रवाई करने जाते हैं तो वो कहते हैं साहब पड़ोसी ने कर रखा है इसलिए मैंने कर लिया। ये सोच बहुत अच्छी सोच नहीं है। व्यापारी को ये सोचना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, बस इतना पर्याप्त होना चाहिए। दूसरे की गलती को देख के मैं गलती करूँ ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, इस बात को लेकर के भी मैंने जो पुराने दुकानदार, जो बुजुर्ग दुकानदार हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे एसोसिएशन के, उन लोगों को और सभी लोगों को ये कहा है। सीएजी मीटिंग में भी बराबर कहता रहता हूँ कि आप अपना वाहन जहाँ जहाँ पार्किंग उपलब्ध है वहाँ खड़ा करें, मार्केट में वाहन खड़ा करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे काफ़ी सारा स्पेस घिरता है और जायरीन को आने जाने में तकलीफ होती है। रोडवेज बस स्टैंड पर उड़ रही है कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियाँ। रोडवेज के चालक परिचालक सहित यात्री नहीं लगा रहे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी नहीं की जा रही पालना। प्रदेश में कम्युनिटी संक्रमण के साथ तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। अजमेर में एक दिन में 270 नए पॉजिटिव मिलने से चिंता और बढ़ गई है। वहीं नया वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते राज्य सरकार ने भी कई तरह की पाबंदियां लागू कर रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतकर अपना और दूसरों का जीवन संकट में डालने पर आमादा है। ऐसे ही हालात केंद्रीय बस स्टैंड पर देखने को मिल रहे हैं, जहां कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोडवेज प्रशासन सुरक्षा के दावे तो खूब करता है, लेकिन उनके दावों की बॉल उनके ही कर्मचारी खोलते नजर आते हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर नियमों की अवहेलना को कैमरे में कैद किया हॉरिजॉन हिंद के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ ने। रोडवेज बसों में गाइडलाइन की पालना नहीं होने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ बिना मास्क यात्रा कर रही है, तो वहीं चालक परिचालक भी बिना मास्क लगाए दिख रहे हैं। कैंटीन और स्टॉल पर भी लोग व दुकानदार मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए नजर आए हैं। लोगों की लापरवाही कहीं वापस से लॉकडाउन न लगवा दे। भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी नाश्ता कराने से अभी तो नाश्ता लगा ही नहीं है, उससे पहले ही मास्क उतार दोगे? क्या बीमारी खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं। तो फिर आपको डर नहीं है कोरोना का? डर नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम काम कहते हो यहाँ पर? काम कहते हो? देखो भीड़ लगी हुई है। देखो बाबू जी, मास्क नहीं लगा रखा। मैं रोटी खाते समय मास्क नहीं लगा था साहब, मैं रोटी खाते समय मास्क नहीं लगा था, आप लगा दोगे? रोटी खा रहा हूँ तो। हाँ मैं रोटी। बाबू जी मास्क कहाँ है आपका? कहाँ जा रहे हो आप?
अरे एक सेकंड और टपड़ी हो, आप बीड़ी भी पी रहे हो? बीड़ी अलाउ है क्या यहाँ पर? अरे नहीं, अलाउ वालो लगा लो। आप कंडक्टर ओके ऐसे मास्क भी नहीं लगा रहे हो? अरे अभी लगे चाय पी तब जरूर। आप तो कहाँ जा रहे हो? आप मैं भीलवाड़ा जा रहा हूँ। भीलवाड़ा था? कौन सी बस लेके जा रहे हो? और भी पीछे खड़ी है। कितने रुपये चालान है भाजी बीड़ी पीने का? 200 रुपये है। 200 रुपये कटवाए। और मास्क का? 200 रुपये मास्क का आ जाओ छोटो भाव माफ करो। ठीक है, मैडम मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? लगा रखा है मैडम? क्या अब लगाया हमारे सामने? तो लगा ही रखा था, उनको पता नहीं, सुन रहा था नहीं। तो कोरोना गया क्या मैडम? नहीं गया। तो फिर लगा ही रखा है ना भैया? तो आप सवारी को क्या संदेश देते होंगे आप खुद मास्क नहीं लगाते होंगे? भैया लगा ही रखा था, थोड़ा सा तो हट रहा था, इसमें नीचे हो जाता है, ये ऊपर बाबर बांधते नीचे हो जाता है। डबल है ये, डबल है। अलाउ नहीं है? अलाउ तो नहीं, पर डबल है ना ये, इसमें रुक तो जाता ही है। क्या नाम है आपका? हाँ जी भैया जी, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? क्या मजे है जी, अजीब है। लगा रहे हैं। क्या काम करते हो? वो भी लगा रहे हैं मास्क। लगा काम क्या कहते हो? मैं यात्री हूँ। यात्री हो? नहीं यात्री तो नहीं दिखते आप। अजीब है अजीब। आप फिर ऐसे कैसे बस के से चलाते होंगे हैं भैया? क्या नाम है आपका? ये देखो सारे बस, ये देखिए सब बिना मास्क है बस, ये सब बस में भी बिना मास्क बैठी हुई है पूरी सवारी। बाबू जी मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? क्या वजह है मास्क नहीं लगाने की? मास्क गिर गया है, टूट गया तो उसके बाद नहीं लगाओगे आप? अब लगाएंगे। कोरोना नहीं है? है ना। कितनी वैक्सीन लगवा ली आपने? सारी लगवा ली। सारी कितनी? तीनों। इसलिए मास्क नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे। क्या नाम है आपका? बैग में रखने के लिए मास्क सुता हुआ है, क्यों नहीं लगा रखा? क्या वजह है? हैं? हेलो जब वो मास्क क्यों नहीं लगा रखा? ये मास्क क्यों नहीं लगा रखा? सवारी बैठी उनको पहले बैठता हूँ, इस चक्कर में सवारी लगा के बैठो। सवारी सीटर 40-45 सीटर 5-7 खाली जा रही है, तो सवारी वैसी कम जा रही है इस चक्कर में। कोरोना सब जगह फैल रहा है वो तो नहीं, लगा रहा। नहीं मैं तो लगा चला बस में लेकर सवारी लेके बैठा हूँ। आपका नाम? प्रवीण। मास्क लगाना कितना जरूरी है? क्या मास्क है? खास जिंदगी है पास, मास्क बहुत जरूरी है अपने सुरक्षा के लिए। और बस स्टैंड पे बस यात्री आते हैं वो बिना मास्क आते हैं? हाँ को आता है, सब लगा के आते ही है बस में, जरूरी है मास्क लगाना। क्या करते हो आम जनता से? क्या कहना चाहते हो? भाई मास्क लगाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ। ये जिंदगी बार बार नहीं आती है, ये तो आ गई एक बार जो आनी है। इसी में अमृत है, इसी में जहर है, जिससे लोगे बेहर तो हो जाओगे ढेर, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन यहाँ लापरवाही देखने को मिली है, यहाँ पे एक ड्राइवर कनेक्टर कोई नहीं मास्क लगा रखा, यहाँ तक सवारी भी मास्क लगा रही, क्या कहना चाहोगे? होटल मानसिंह में 100 से ज़्यादा बच्चों की पार्टी होने की सूचना पर क्रिश्चनगंज थाना पुलिस पहुंची मानसिंह होटल। 50-50 बच्चों की 3 अलग अलग जगह पार्टी की कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति मिलने पर लौटी पुलिस। बुधवार को वैशाली नगर होटल मानसिंह में अत्यधिक बच्चों की भीड़ देखकर किसी व्यक्ति द्वारा क्रिश्चनगंज थाना पुलिस को कोविड नियमों की अवहेलना होने की सूचना दी गई, जिस पर क्रिश्चनगंज थाना पुलिस के ASI मोइनुद्दीन के साथ पुलिस जाब्ता होटल मानसिंह पहुंचा और जांच की तो पता चला कि सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की 3 अलग अलग पार्टियां अलग अलग स्थानों पर चल रही हैं, जिनके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति ली गई है। होटल प्रबंधन से अनुमति पत्र लेने के बाद पुलिस वापस लौट गई। ASI मोइनुद्दीन ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि लॉन, हॉल और पोर्च में 3 अलग अलग पार्टियों में बच्चे शामिल हैं, जो पूरी 50 की संख्या में भी नहीं है। ऐसे में सभी को कोविड नियमों की पालना करने की हिदायत दी गई। प्रबंधन और स्कूल के पास जिला कलेक्टर की अनुमति है, लिहाजा मौके पर कोविड नियमों की अवहेलना होते हुए नहीं पाई गई।
सूचना मिली थी कि मानसिंह होटल में कोई बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे ज़्यादा मात्रा में हैं, जिस पर मेयर मेरे जाप्ता के साथ आए हैं, यहाँ जाके जानकारी ली तो श्रीमान कलेक्टर साहब से इनके पास परमिशन है, 3 परमिशन है 50-50 बच्चों की। अंदर जाके हमने पूरा देख लिया है, यहाँ तीनों जो पार्टियाँ हैं अलग अलग बच्चों के एनुअल, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनके एनुअल पार्टियाँ हैं, तो तीनों जगह पार्टियाँ अलग अलग जगह, एक लॉन में है, एक हॉल में है और एक बाहर पोर्च में हो रही है। तीनों में करीब 25 से 30 या ज़्यादा ज़्यादा एक पार्टी में 40 बच्चे हैं। तीनों को हमने जाके चेक कर लिया है, परमिशन इनसे ले ली है, तीनों के कलेक्टर साहब की परमिशन है और इनमें करीब परमिशन तो 50-50 की करके 150 आदमियों की, लेकिन 100 से 125 बच्चे हैं करीब। हमने परमिशन ले ली, इनको वापस हिदायत दे दी है, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मास्क का पूरा उपयोग करें और बच्चों को तरीके से गाइडलाइन की पूरी सिखलाई के साथ ही पार्टी कराएं। मैंगो मसाला के सामने अंदाज गैलरी का नाजिर की मौजूदगी में मकान मालिक को सौंपा कब्जा। सालों से कई मुकदमे हारने के बावजूद किरायेदार ने दुकान पर ताले लगाकर कर रखा था कब्जा। बुधवार को इंडिया मोटर सर्किल पर मैंगो मसाला रेस्टोरेंट के ठीक सामने अंदाज गैलरी गिफ्ट शॉप की 2 दुकानों का कब्जा पुलिस सुरक्षा के बीच नाजिर की मौजूदगी में मकान मालिक प्रीति मलिक को सौंप दिया गया। प्रीति मलिक ने बताया कि वर्ष 2007 में रेंट ट्रिब्यूनल से मकान मालिक मुकदमा जीत चुका था। उसके बाद किरायेदार ने अपील की और अपील करने पर हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में हारने के बाद वह DB में चला गया, जिसके बाद हमने एक लैंडमार्क जजमेंट बनवाया जिसमें अब कोई भी किरायेदार सिंगल बेंच के बाद DB में नहीं जा सकेगा। DB के बाद भी वह किरायेदार सुप्रीम कोर्ट गया जहां उसकी SLP खारिज कर दी गई। बावजूद इसके वह अपनी दुकान का सभी सामान निकालकर ताला लगाकर चला गया और कब्जा नहीं सौंपा। आज अदालत के आदेश पर नाजिर की मौजूदगी में पुलिस सुरक्षा के बीच कब्जा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आज मकान मालिकों की ये व्यथा है कि किस तरह से किरायेदार संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से अदालतों के चक्कर कटवाते हैं। हाँ, ये कब्जा लेने की कार्रवाई करी गई क्योंकि 2007 में जो रेंट ट्राइब्यूनल से हम जीते थे मुकदमा, उसके बाद किरायेदार ने अपील करी और अपील करने के बाद वो रिट में हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के सामने भी हारने के बाद वो DB में चला गया और DB में जाके हमने एक रिपोर्टेबल जजमेंट बनवा दिया, एक लैंडमार्क जजमेंट, जिससे कि अब कोई भी किरायेदार सिंगल बेंच के बाद DB में नहीं जा पाएगा। DB के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी SLP खारिज हो गई, पर उसके बाद भी वो ताला लगा के सामान लेके चला गया पर उसने कब्जा नहीं दिया। तो आज पुलिस को बुला के नाजिर साहब की असिस्टेंस के लिए और हमें कब्जा लेना पड़ा। तो ये हाल है आजकल किरायेदारों का और मकान मालिक की ये व्यथा है कि इतने साल मुकदमा लड़ने के बाद में भी उसको पुलिस के जरिए खाली कराना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गया मैटर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।